दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सोना 11,000 रुपए तक सस्ता हुआ है और आज का करेक्ट भाव क्या है। हम आपको इस वीडियो में आज का करेक्ट भाव बताएंगे और दोस्तों क्यों सस्ता हो रहा है और कब तक सस्ता होगा इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है अपने राज्य का नाम और दोस्तों सोने का भाव कितना होना चाहिए इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सोने और चांदी के भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रिकॉर्ड स्तर से 11,000 रुपए नीचे आए सोने के दाम, जानिए आज का ताजा भाव क्या है। तो दोस्तों आज का क्या रेट है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में मिले कमजोर संकेतों से आज सोने की कीमतों में 10 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने के दाम करीब 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट चुके हैं। बता दें कि अगस्त 2020 में सोने की कीमत 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। दोस्तों आज MCX पर सोने का वायदा 0.11% की गिरावट के साथ 45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया। पिछले 7 संतरों में से 6 कारोबारी संतरों में सोने के दामों में गिरावट आते हुए देखी गई है। वहीं आज चांदी मई वायदा 396 रुपए की गिरावट के साथ आज 69,216 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती नजर आ रही है। दोस्तों वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में आज गिरावट आई है। अमेरिका ट्रेडिंग की यील्ड में मजबूती की वजह से सोने पर दबाव बढ़ा है। हाजिर सोना 0.2% गिरकर 1,734.16 डॉलर प्रति औंस पर रह गया। वहीं चांदी 0.3% फिसलकर 26.67 डॉलर प्रति औंस पर रह गई है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और वैश्विक ब्रांड की लीड में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा डॉलर मजबूत हुआ है, इसका असर सोने की कीमतों पर देखा जा रहा है। इससे इन्हें इस हफ्ते कारोबारी की नज़र अमेरिकी फेडरल रिजर्व ऑफ ओपनेट की बैठक पर है। शुक्रवार को नॉन फार्म पे रोल के आंकड़े जारी किए जाएंगे जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है, यानी रिकॉर्ड हाई में 11,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है अब तक सोना। और दोस्तों आज 396 रुपए सस्ती हुई है चांदी और दोस्तों ये होली तक सस्ती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो यही सही मौका है। सोना और चांदी खरीदने का सही समय है, अभी खरीदने सस्ता सोना है और दोस्तों होली तक सस्ता रहेगा। और क्यों हो रहा है सस्ता, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5% इनपुट ड्यूटी को घटा दिया है, इसी वजह से सोने और चांदी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यह है आज का करेक्ट भाव और अब तक 11,000 रुपए सस्ता हो चुका है सोना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सोने और चांदी के भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।